हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इडली तो हम सॉफ्ट और स्पॉन्जी खाते ही हैं, मगर इसे हम थोड़ी चटपटी कर दें तो क्या बात है। ये सॉफ्ट लेकिन चटपटी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इसे अभी लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं खुद आपसे कनेक्ट हो जाऊँ। ये स्टफ्ड इडली बनाने के लिए यहाँ पर हमारा इडली का बैटर देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है, एरिएशन बढ़िया। अगर हम चम्मच को इसमें छोड़ते हैं तो बड़े ही आराम से ये नीचे सरक रहा है, मतलब ये अच्छे से रेडी है। अब हमें स्टफिंग बनानी होगी। इसके लिए पैन में 1-2 टेबलस्पून तेल को हम गर्म करेंगे, 1/4 टेबलस्पून राई डालेंगे और राई के तड़कते ही हमें डालना है 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। प्याज को बस हमें सॉफ्ट होने तक भूनना है। अब सिंपल से स्पाइसेस ऐड करने हैं हमें। हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ में हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। इसे एक बार भून लेंगे ताकि हमारा धनिया और जीरा पाउडर जले नहीं। फिर डालना है हमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे एक बार मिक्स करके अब हम डालेंगे 4 उबले हुए आलू जिन्हें हमने रफली काट लिया है। साथ में हमें डालना है 1/4 टेबलस्पून कड़ी पत्ता पाउडर। अब नमक डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें हरे मटर भी डाल सकते हैं और उन्हें ना भी भुने तब भी वे इडली में अच्छे से पक जाएंगे। अब कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे ढक देंगे। 1-2 मिनट के लिए गैस सिम पर रखकर फिर ऑफ कर देंगे। अगर आप तेल थोड़ा कम पसंद करते हैं तो बिना तड़के के भी आप स्टफिंग बना सकते हैं, बस प्याज को स्किप करें, बाकी सभी मसाले वैसे ही डालें। अब मैंने इसमें मटर भी ऐड कर लिए हैं, आप भी ज़रूर मटर ऐड करें, ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अब आपके तड़के वाली स्टफिंग बनानी है या फिर बिना तड़के की, ये काम तो हमें दोनों हाल में करना है, मतलब इस स्टफिंग को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। चलिए, आलू तो मैश हो गए, इसके हमने अभी टिकियाँ बना ली हैं छोटी छोटी। ये आलू पैटीज जो है इसे हमें स्टफ़ करना है। इडली के सांचे में हमने 200 ml पानी डाला है और सभी प्लेट्स को ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। सबसे नीचे हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे, इसके ऊपर आलू की टिक्की रखेंगे और फिर ऊपर से इडली का बैटर डाल के इसे कवर कर लेंगे। मगर ख्याल रहे, आलू के टिक्की का जो साइज़ है वो मीडियम होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा बड़ी हो गई तो ये इडली में समा नहीं पाएगी और इडली फट जाएगी। इसी तरीके से हमें सभी इडलियों को बना लेना है। सांचे को कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 12 से 15 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद 10 मिनट तक इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम इडली को डीमोल्ड करेंगे। यहाँ मैंने चम्मच को ग्रीस कर लिया है और उसकी मदद से मैं सभी इडलियाँ डीमोल्ड करूँगी। बड़ी आसानी से ये निकल आ रही हैं। अब ये इडली इतनी लाजवाब है, आप चाहे इसे टमाटो सॉस के साथ खाएं, गार्लिक सॉस के साथ खाएं या फिर चटनी के साथ, ये है लाजवाब। अगर आप ये इडली खाते टाइम एक्स्ट्रा पंच चाहते हैं तो ये चटनी तो ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 5-6 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 हरी मिर्च लेंगे, साथ में हम 1 मुट्ठी भुना हुआ खोपरा और 2 मुट्ठी हम मूँगफली लेंगे। अब साथ में हमें चाहिए 6-7 कड़ी पत्ते और 4-5 पुदीने के पत्ते। इन सभी चीज़ों को डालेंगे मिक्सी में और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। साथ में अब पानी भी डालेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी फाइन पेस्ट हमें बना लेनी है। लास्ट में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारे चटपटी इडली के साथ हमारी चटकदार और लज्जतदार चटनी भी रेडी है। और अगर आप चटनी को तड़का लगा लेते हैं तो फिर बात ही क्या है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं खुद आपसे कनेक्ट हो।